मैं मैं, तो और लेकिन उतना नहीं हूँ जितना होना चाहिए उतना और उतना फुलिश होना बहुत जरूरी है जब आप ऐसी ढूंढता तो रहता हूँ सो आई जस्ट आस्क अनुराग टू एक्सप्लेन टू यू वाई ही इज हियर जस्ट टू टेल यू एक पॉइंट ऐसा था जब मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं फिल्म प्रोड्यूस कर पाऊंगा कि नहीं क्योंकि जैसा कि मैंने इस इंटरव्यू में कहा है कि मेरे से अपनी फिल्म ही नहीं संभलती मैं किसी और की फिल्म कैसे संभालूंगा खास करके जो टैलेंटेड है और शायद मेरे से भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो मैं किसी के रस्ते में नहीं आना चाह रहा था कि मेरे चक्कर में तेरी फिल्म रुक जाएगी मैं कैसे करूँगा तो उस टाइम अनुराग ने मेरे को फोन करके एक रात को एक धमकी दी थी तो दैट्स वाई ही इज़ हियर सो आई गिव द फोन आई मीन आई गिव द माइक टू अनुराग एंड लेट इम टेल यू हाउ तितली केम टू बी मेड एंड हाउर नहीं ऐसा कुछ नहीं थोड़ा बन गया तो <laughs> so, दिन दिन कि मैं तो नहीं जाने देने वाला हूँ पहले जब कनु और मैं बहुत दिन से मीटिंग ऑन द फिल्म क्योंकि जो चीज घर में होती है वो लगता है कि ठीक है मे बी शुड आई डू इट शुड आई नॉट डू इट एंड ऑल दैट एंड वन अनुराग एक्चुअली तितली के दो प्रोड्यूसर्स थे मेरे से पहले वो अमिन I mean, जो प्रोड्यूस करना चाह रहे थे एक थे अनुराग कश्यप और एक थे यशराज फिल्म क्योंकि यशराज फिल्म ने खुद भी तितली की स्क्रिप्ट पढ़ी थी एंड वाई आर एफ़ वॉज ऑल्सो इंटरेस्ट बट एट दैट टाइम वाई आर एफ़ और डी पी पी का को प्रोडक्शन नहीं हुआ था तो इन दोनों के हाथ से मैंने तितली छीन ली और इसलिए आज जो ये लोग फेमस लोग हैं इनके साथ मैं भी बैठ रहा हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है थैंक यू तो घर की बात से याद आई कि वी इंट्रोड्यूस द फैमिली ऑफ तितली एंड यू डिड विद तो फर्स्ट आई एल कॉल अंकल एंड अंकल पापा हु इज हम ऊपर से चालू करते हैं फैमिली सबसे जो सीनियर uh, है तितली की फैमिली में पापा थी थी थी? मैं बहुत अफसोस है उसके बदले में दिवाकर के साथ मैंने बहुत कुछ किया है <laughs> <laughs> वो, वो पर्सनल है लेकिन हाँ ये फिल्म तो स्क्रिप्ट स्टेज से ही बहुत ही अच्छी रही और जो बनी है वो तो खैर कुछ और ही लेवल पे थी तो इस फिल्म के साथ मेरा एसोसिएशन जो वो जनरली होता है सिर्फ प्यार का और रेस्पेक्ट का है जो फिल्म मुझे जलाती है उस फिल्म को मैं देख करके और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं हूँ स्टूपिड तो हूँ मैं और लेकिन उतना नहीं हूँ जितना होना चाहिए उतना स्टूपिड और उतना फुलिश होना बहुत जरूरी है जब आप ऐसी फिल्म बनाते मैं उतना में ढूंढता रहता हूँ अभी मैं जानबूझ के अपने अंदर की सारी बेबकूफिया ढूंढ रहा हूँ कि मैं एकदम सीन उठा करके चलूं और जैसे कनू बहल है कनू बहल जब फिल्म बनाता और देखता है तो आप उसको देख के लगता है कि यार इसका क्या होने वाला है इसको, इसको दिखाई दे रहा है ये कहाँ जा रहा है अच्छा है वो, वो उस तरह का एक वो चाहिए होता है एक फिल्म मेकर के अंदर जुनून हम लोग को थोड़ा क्या है आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है मतलब इस, इस होल तितली का जो मॉरल स्टोरी है वो ये है कि आ बहल मुझे मार <laughs>